दोस्तों आपका स्वागत है फिर से हमारी ब्रांड न्यू वीडियो में। भाई साहब ये जो वीडियो है वो है दोपहर के टूर्नामेंट की। 85 बंदा है, लोगों ने कहा था जी हम दोपहर में खिला लो, हम रात को टाइम नहीं मिलता था, हम दिन में भी टाइम नहीं मिलता नजेडियो। तो भाई साहब मूड तो खराब हो चुका था, पर कोई बात नहीं, मूड सारा ठीक कर दिया मैच ने। लड़ाई बजी अंदी मुक्का उतर तो इलट इलट, अरे मेरी जान। भाई साहब बहुत ही तगड़ा मैच हुआ, बहुत ही तगड़ा। आ जाओ तो मैं दिखाऊँ क्या क्या हुआ, आ जाओ। जैसे ही उतरे सबसे पहले मिस्टर समद ने केनन क्रिस्टल को नॉक मारा और छोड़ा हुआ घुमा तेरा यार। हाँ देख क्या जा रहा मिस्टर समद, शक्तिमान जुमान जी ऊपर उछड़ा, पता है हुक्का लवर बैठा, हुक्का लवर गाद में पड़ी पांच पिछो पाचो घूम गया। देखेगा पिछो तो 8 लक्की नो मारी, VSS नॉक कर दिया, VSS नॉक कर दिया। मेरे दोस्त नौकरा 8 लक्की नो किलेगा हुक्का लवर, बहुत बढ़िया भाई लोंडे। और इन्हें अपने टीममेट को बचा लिया। केनन बैड बॉय अजरगाड़ा को लेगा, जेड डेविल अजर केनन बैड बॉय को लेगा, हाथ के हाथ बदला था ना, बिल्कुल हाथ के हाथ भाई साहब। और भाई साहब जो केनन बैड बॉय फिर रहा है, यहाँ एसएम जहीर कौन था भाई, ये लोंडा बड़ा गया था। लीस पार्टनर को लेगा, केनन वैम्पायर बुजुर्ग गफ्फारी को पूरा ले गया बेचारे को। जेड डेविल ने केनन बैड बॉय को रुका, चलो तुम खेलो। असम जहीर यहाँ अली स्पार्टन को पूरा ले गया भाई, केला लोंडा खेल रहा था कोई, बहुत तगड़ा खेल रहा था। हुक्का लवर यहाँ FD अयान को ले गया भाई, इस बंदे की क्लिप नहीं ले पाया, पर ये लड़का बहुत अच्छा खेल रहा था। हुक्का लवर पूरा फिनिश मारा, हुक्का लवर ने बॉस कोबरा को मारा, पूरी टीम फिनिश कर दी। बंदा 3 किल लेके घूम रहा था और अपनी जो पार्टनर थी केनन क्रिस्टल को करा दिया उसने रिवाइव। अहिल मार्ग यहाँ पिस्टल से उड़ा देता है सावेज की एसएन, पता नहीं कौन है, पिस्टल लेके घूम रहा अहिल मार्ग। अब भाई टीम बीटी प्रभु सावेज खान को ले गया, समर डेविल यहाँ एश को ले गया और पीछे से माफिया वेज आया, उसने समर डेविल को फोड़ दिया। AP उमर साई कौन उसको ले गया और माफिया वेज ने समर डेविल को पूरा उड़ा दिया भाई साहब। टीम OPX समीर BW अब्दुल को ले गया, रोबर्ट टोपी यहाँ रेड मिस्टर UK04 को ले गया, रोबर्ट टोपी ने मिस्टर रेड की से उड़ा दिया, रोबर्ट टोपी ने आया BW अब्दुल को भी उड़ा दिया भाई साहब। अब रोबर्ट ने तगड़े उड़ाए, पर भाई मैं तो कुछ देख नहीं पाया यार, सॉरी। UK04 साधारण यहाँ भाई नॉक कर देता है ऐसे रोबर्ट टोपी को पूरा, पर पूरा फिनिश नहीं कर पाता। टीम बीटी प्रभु यहाँ केनन शूटर को ले गया पूरा भाई साहब, टीम बीटी प्रभु साबेज खान को पूरा ले गया भाई साहब। बंदा जहर खेल रहा टीम बीटी प्रभु ये वाला आज। AP उमर साइकोनस को ले लिया, इस तरह ने पूरी की पूरी टीम उड़ा दी AP उमर वालों ने। K9 डेडशॉट यहाँ एश को ले गया, जैसे ही मैंने स्विच मारा वो एश को जिगल्ले को मार रहा है डेडशॉट छड़ा। असम जहीन यहाँ जेड डेविल को ले गया शॉटगन से पूरा फिनिश मार दिया। सैफ मलिक किटी ने यहाँ K9 डेडशॉट को पूरा फिनिश मार दिया। किटी लड़का बड़ा खेला था। टीम बीटी प्रभु यहाँ आया, देखो भाई तुम AP उमर वालों, भाई AP वालों तुम अपनी गलती देखियो, नहीं खुद देखियो तुम। किटी ने कैसा स्प्रे दिया, ये मर नहीं सकता था भाई साहब, ये साफ मरता है साफ, पर किटी नहीं मार पा, सामने से नॉक आया बीटी प्रभु का किटी को और दोबारा से ये गया AP हमजा, इसे भी नॉक बीटी प्रभु ने कर दिया, वो भी M16A4 से। ओ भाई बीटी प्रभु जहर खेल रहा था लौंडा भाई, लौंडा ना उसे पता था इधर को जाऊंगा तो टीम आवेगी उसकी, पड़ली तरफ को घूम गया 4 किलोमीटर दूर पड़ली तरफ, मैक जैद उसके बराबर में था। देख भाई मुझे अंदाजा तो लग चुका था कि ये बंदा मैक जैद को तो नॉक नहीं कर सकता। ले भाई साहब मैक ये लिट गया, मैक जैद ने फोड़ दिया, वो तो जरा पीछे से कवर देना आ गए मैक जैद को। मैक जैद को ले गया सेक्सी नॉक कर गया और फिर फिनिश भी मारने में उन्होंने टाइम नहीं लगाया और AP जैद बहुत पीछे था तो वो कुछ कर नहीं पाया। अब भाई यहाँ असम जहीर और आवेश के बीच में लुका छिपी चल रही थी, हुक्का लवर यहाँ रोबर्ट टोपी को पूरा ले गया पर इस लुका छिपी के बीच में बीटी पर वो असम जहीर को ले गया और जरा ऊपर को चढ़ाते ही उसने माफी आवेश को भी पेल दिया। ये बहुत देर से बेचारे लुका छिपी खेल रहे थे, कोई ऊपर कोई नीचे, बीटी पर वो चढ़ा जा रहा भाई 7 किले बंदे के। हुक्का लवर यहाँ मजे में बिल्कुल लूट कर रहा को चंकी में, वो बाहर को निकला, उन्हें सोचा सामने वाले घर में एक बंदा तो निकला, लेड़ नाड़ डाल के फाड़ फूड दूँ मुँह फाड़ दूँ उसका, इसका सिलाना जाएगा कोई डॉक्टर पर उसे नहीं पता। यहाँ AP जैद भाई 20 फ्राज को ले गया है, AP जैद कमॉन बेबी पीछे से नहीं हटाया भाई, बाज का उसने नॉक कर दिया हुक्का लवर को। उसका पार्टनर यही था टीम OPX समीर, उसने जरा से भी देर नहीं लगाई केनन क्रिस्टल को फिनिश करने में, दोनों को लेके चलते बने। अब भाई साहब ये बंदा मारते ही ना बड़ा आराम से लूट कर रहा था, पीछे से आ गया गब्बर ने मारा बहुत ज़्यादा ही OP नॉक। अब भाई गब्बर मुझे पता था चैन से तो बैठने का नहीं, सिंगल बंदा खेल रहा था, जागा था जरूर। देख गब्बर भाई अच्छा लगे या बुरा लगे, जहाँ तक मुझे लग रहा खुद देखे तू मरा क्यों, अगर तू सीधा अब तूने जैसे तू यहाँ गया भाई तू तगड़ा गया, पर तुझे यहाँ जंप मारना था, तूने जंप नहीं मारा इस वजह से तू फिनिश हो गया। अरे गब्बर पर लड़के तू जहर खेल ले जो मुझे बता बस।
चलो भाई साहब टीम ओपीएक्स समीर और बास बच गए। सुच्चा भी यहाँ पर आ चुका था, टीम बीटी प्रभु एपी जैद को भी ले गया। और भाई साहब लोंडा डांस कर रहा, भाई साहब इतना नहीं तरह करता अंडी मुंह मचित जा फिर प्रभु। टीम ओपीएक्स समीर यहाँ एटआर लक्की को ले गया, भाई मैंने जैसे ही स्विच मारा एटआर लक्की को ले गया ओपीएक्स समीर। सुच्चा उसके बराबर में ही था, सुच्चा जैसे ही बराबर में था सुच्चा के सामने आया बाज और बाज को उसने दिया बड़ाई जहर नोक सुच्चा ने। पर पीछे से आ गया ओपीएक्स समीर और मस्ते मुंबारी भाई साहब M762 फाड़ दिया सुच्चा को। चलटा बाबू खेल और बचा लिया अपने टीम मेट को। इन्होंने क्या ड्रामा करा अभी आगे पता लग जाएगा था। मैं K9 वालों ने रस मार दिया स्कूल पे। टीम थी भाई साहब तीन, सैफ मलिक आवेश वाली टीम और भाई साहब ये मैक्स निंजा एसके डेविल वाली टीम। सबसे पहला नॉक दिया मैक्स निंजा ने K9 डैगर को। क्रिमिनल यहाँ माफिया मैक्स को ले गया। डाकोमन यहाँ K9 वैम्पायर को नॉक कर देता है, पर K9 वैम्पायर के नेड से माफिया मैक्स नॉक हो जाता है और दो बंदे नॉक होते हैं, एक मैक्स निंजा भी नॉक होता है, दो बंदे नॉक हो जाते हैं। क्रिमिनल यहाँ किसी तरह वैम्पायर को बचाने जाता है। सैफ मलिक ऐसे डैगर को नेड से उड़ा देता है, आवेश मैक्स निंजा को पूरा ले जाता है। डाकोमन यहाँ एलमार को पूरा नॉक करके फिनिश कर देता है। अब भाई इस तरह यहाँ पर ये दो बच गए और वहाँ तीन बच गए, ये किसी तरह गए अंदर। आवेश ने आया इसके डेविल को भी पूरा फिनिश करा, आवेश ओपी खेल रहा आज। K9 वैम्पायर डाकोमन को नॉक करता है और पूरा का पूरा हाथ के हाथ फिनिश मारता है। पीछे से आता है सैफ मलिक एसएस जो क्रिमिनल को दिख जाता है। K9 वैम्पायर को तो वो ले गया पर वो अपने आप को बचाने में असफल रहा और भाई साहब सफलता की मुझे याद लग गई क्रिमिनल के। आज का हीरो आवेश रहा, आवेश भाई जहर खेला था। बाज बराज यहाँ टीम ओपीएक्स समीर को नेड मा वो मोली से उड़ाता, अपनी ही टीम को टीममेट को उड़ा दिया। नहीं मेरी समझ में नहीं आया इन्होंने क्या नशापंती करी, बहुत देर के लड़ रहे थे भाई ये चूहे बिल्ली की तरह, कोई आगो कोई पीछे, पर क्रिमिनल को आवेश फाड़ के चलता बनता है भाई साहब। चलो अब खेलो आवेश हो रहा है इस टाइम जहर बिल्कुल। अब भाई टीम बीटी प्रभु यहाँ बाज को ले गया, भाई जैसी करनी वैसी भरनी, तूने अपने टीममेट को उड़ाया बीटी प्रभु ने तुझे उड़ा दिया। अब भाई बीटी प्रभु तो भाई साहब हवा में इस टाइम नो बंदे मार के तेरा यार डांस कर रहा है, जहर डांस कर रहा बिल्कुल। ओ भाई ओपी। अब भाई एक बंदा केला खेला रैगनर टीक्यू, उसे मिली ड्रॉपर ने ठाई वहां से मशीन गन बहुत तगड़ा। और बीटी प्रभु जा रहा था खुल्ले में भाई, जिसका मुझे यकीन भी नहीं था कि वो किसी को मारेगा। रैगनर टीक्यू ओपी भाई साहब, इनने मशीन गन पर हाथ लगा यार, सो भी सो तार दी बीटी प्रभु के जब तक वो मरा नहीं। मैं भाई बहुत बुरा हाल कसम से, मैं बहुत हंसा सेक्सी यार रहे ना टीकी को मार के थोड़ा सा दर्द कम करता हुआ अपना। अब भाई बचे तीन और दो, मैं इनकी एक बात दिखाना चाहूँ, ये तो यहाँ सांप बने बैठे आवेश और फैज और एपी वाले यहाँ जो है सांप बने बैठे। 5 मिनट तक चला इनका ये खेल, मेरे सिर में दर्द होगा था, सांप देख तो फिर इन्हें होश आया ना, चलो भाई घर पर चल ले लड़ना भी तो मैच भी तो पूरा करना। अब सेक्सी पल्ली तरफ पूजा रहा था आवेश, मैं पड़ी मुँह पर सेक्सी के चल बाबू खेल तू नोक हो गया। अब भाई यहाँ पे आ गया उमर, पहला आवेश ने सोचा नेड मारूंगा, फिर उसने ना 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 मोली मारूंगा, मोली माली मारने के चक्कर में फैज मलिक को नॉक कर दिया एपी उमर ने, तगड़ा नॉक मारा। एक आवेश ने नेड मार दिया, नेड मारने से क्या हुआ, उन्होंने सोचा दोनों फट जाएंगे, दोनों तो फटे नहीं, वो साइड में कोई एक नेड उन्होंने मार दिया, इसकी हेल्थ डाउन कर दी इन्होंने। पर उन्होंने ना ऊपर जल्दी से रस नहीं करा, वैसे टाइम मिल गया अपने आप को हेल्थ लगाने का। बहुत देर से इनके बीच में बात चल रही होगी कौन ऊपर जाएगा, मैं जाऊँ तू जा मैं जाऊँ तू जा, फिर इन्होंने फैसला लिया चलो भाई हम ऊपर चल ले। भाई वो जैब पता नहीं क्या कर रहा था ऊपर चढ़ को गन सी चेंज कर रहा, वो भाई फिर तो पेल हो गया आवेश ने पेल दिया। अब आवेश को पता था अगर मैं सीधा जाऊँगा तो चांस है भाई मेरे मरने के, उन्होंने कहा पीछे को कूद के चलूँ क्या पता चांस बन जाए। एपी उमर भी बेचारा यूँ सोच रहा था कि मैं लाइफ से रिवाइव ही कर दूँ, अरे भाई भाई वो रिवाइव ही कर रहा था बैठा हुआ, अरे इनके बीच में लट बजा लट पाड़ते पाड़ते सबसे बीच में जिनने मारा वो था आवेश। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आप जीत चुके हैं सैफ मलिक आवेश डाकू साहिल और फैज मलिक। और भाई साहब सेकंड आने के लिए आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एपी जैब सेक्सी एपी उमर और टीम बीटी प्रभु, तगड़ा खेला भाई तू और रैगनर टीक्यू थर्ड आया। चैनल को कर दे सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।